हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू द व्लॉगर फैमिली। मैं हूं विमी और फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए कोई प्लांट पर वीडियो लेकर नहीं आई हूं, बल्कि प्लांट से रिलेटेड मैं कुछ प्रोडक्ट जो मैंने अमेज़ोन से मंगाए या होम सेंटर से लिए थे, ज़्यादा नहीं है, चार पांच चीज़ें हैं, वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। तो आइए देखें। सबसे पहले तो मैंने ये बॉक्स मंगाया, इसमें मैक्रामे की वॉल हैंगिंग है, तो इसको मैंने अनबॉक्सिंग कर लिया है, तो इस बॉक्स को बाद में खोलूँगी। मैंने दो पीसेस मंगाए ये, और ये खुला हुआ दिखाती हूँ आपको। ये है, ये इसमें मैं प्लांटर्स रखूँगी। छोटा सा है ये, बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं है, एक प्लांटर या दो छोटे छोटे आ सकते हैं। तो इस तरह से ये मैंने दो का सेट मंगाया है, एक 350 का है। तो ये लगाने के बाद मैं दिखाऊंगी कि कैसा लग रहा है। तो ये दो पीसेस मैंने इसके मंगाए हैं, 350 ईच। उसके बाद ये मैंने प्लांटर्स के लिए मंगाए हैं, तो ये जूट लुक देता है, अच्छा लगता है ये इंडोर प्लांट्स के लिए स्पेशली, बहुत अच्छा लगेगा। और मैं इसमें लगा के फिर रख के आपको दिखाऊंगी। ये मैंने दो पीसेस लिए हैं मल्टी कलर में, तो ये आई थिंक 300 के हैं, दोनों 300 के हैं ये दोनों पीसेस। उसके बाद ये मैक्रेमे में ही मैंने ये पॉट होल्डर, ये कॉर्नर में या कहीं पर भी लग सकता है वॉल पे ही, ये मैंने दो मंगाए हैं, और ये आई थिंक 300 के, 250 ईच है, ये 250 ईच है। तो दोनों का डिफरेंट डिज़ाइन आया है। नेक्स्ट आइटम है ये जूट बैग, और ये बैग्स मतलब प्लांटर का भी काम करते हैं, मतलब डायरेक्टली हम इसमें सॉइल डालकर, सॉइल मिक्स डालकर और इसमें प्लांट लगा सकते हैं, और या फिर हम इसमें पॉट डालकर हम ऐसे भी रख सकते हैं, पॉट इसके अंदर डाल सकते हैं। अंदर से दिखने में ये ऐसे स्क्वायर हो जाता है, और इसके अंदर या सपोज हम प्लांटर डालते हैं तो वो ऐसा लुक देगा, तो ऐसा भी इंडोर में रखने में अच्छा लगेगा। और या फिर इसमें डायरेक्ट सॉइल डालकर और सीधा प्लांट लगा सकते हैं, इसमें ग्रो कर सकते हैं। तो इसमें लिखा भी है सो एंड ग्रो। तो ये दो बैग्स लिए मैंने, ये 100 रुपीज़ के हैं, ये मुझे गिफ्ट देने के लिए भी बहुत अच्छे लगे और इको फ्रेंडली भी है। तो मुझे लगा कि एयर भी पास होगी अगर अंदर प्लांट के रूट्स में अच्छे से हवा जाएगी, तो इसमें मैं ग्रो करने वाली हूँ, देखते हैं फिर क्या रिजल्ट आता है। और लास्ट आइटम है ये मैंने किचन के लिए लिया है, ऐसे ही पोस्टर वुडन लुक में है ये। ये मुझे थोड़ा सा एक्सपेंसिव लगा, 380 का दिया, और लाने पर ठीक लगा, क्वालिटी इतना जो मुझे जितना मैं एक्सपेक्ट कर रही थी ऐसा नहीं निकला ये, लेकिन ठीक है, लुक्स में ठीक दिख रहा है। तो ये थी मेरी ऑनलाइन शॉपिंग, चार पांच चीज़ें जो मैंने अपने प्लांट्स के लिए ली वो आपके साथ शेयर की। फ्रेंड्स, अब मैं दिखाती हूँ कि मैंने अपने वॉल हैंगिंग को कहाँ कहाँ पर लगाया है। ये फ्रंट वॉल पर मैंने ये दोनों हैंगिंग लगाए, जिसमें मैंने ये स्पाइडर प्लांट रखा एक कप शेप प्लांटर के अंदर, और इसका वेट ज़्यादा ना हो इसलिए मैंने ये कोको पीट और कंपोस्ट मिला के ही इसमें डाला कि थोड़ा सा वेट कम रहेगा इसका। और दूसरी साइड में ये लगा दिया, तो सिमिलर प्लांट, सिमिलर हैंगिंग। दूसरा पॉट हैंगिंग मैंने यहाँ पर लगाया है, छोटा सा प्लांटर इसमें लगा दिया मैंने, और इसी के दूसरी साइड में ये मैंने
पीस लिली लगा दिए। अपने जूट प्लांटर्स मैंने यहाँ पर रखा है विंडो पर, अपने बेडरूम की विंडो पर मैंने रखा है। यहाँ से इनको सनलाइट भी आती रहेगी। लास्ट में ये जो मैंने दो ग्रो बैग्स लिए थे जूट वाले, इनमें मैंने दो प्लांट्स लगा दिए। ये देखिए, तो आज का मेरा मिशन कंप्लीट हो गया। छोटी सी ये मेरी वीडियो थी। अगर आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई हो, प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करना ना भूलिए। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।